होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने अपने होंडा एक्टिवा 125 का अपडेट वर्जन होंडा एक्टिवा 125 भारतीय मार्केट में लॉन्च किया है। कंपनी ने इस स्कूटर को OBD2 इमिशन नॉर्म्स को फॉलो करने वाले इंजन के साथ पेश किया है। कंपनी ने इसे 4 वेरिएंट के साथ मार्केट में उतारा है, जिसमें पहला ड्रम ब्रेक, दूसरा ड्रम ब्रेक अलॉय व्हील, तीसरा डिस्क ब्रेक और चौथा एच स्मार्ट जो की टॉप मॉडल है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और स्वागत करता हूं आपका अपने मोटो रिव्यू चैनल ब्लॉक्स टाइम में एक बार फिर से। एंड थैंक्स टू डियो होंडा। और आज के इस वीडियो में मैं होंडा एक्टिवा 125 का अपडेटेड वर्जन 2023 होंडा एक्टिवा 125 का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं और साथ ही साथ बताऊंगा कि ये कितने वेरियंट्स में होंडा ने इसे मार्केट में उतारा है और इसके कितने कलर के ऑप्शन मिल जाएंगे और साथ ही साथ इसका प्राइस क्या होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके फ्रंट प्रोफाइल को मैं दिखा देता हूं। तो फ्रंट में आप देख सकते हैं कि इसका वाइजर जो मिलता है वो ग्लॉसी फिनिश में ब्लैक कलर में आपको दिया गया है और इसके ठीक नीचे आपको इसका जो हेडलैम्प मिलता है वो फुली LED सेटअप वाली हेडलैम्प देखने को मिल जाती है। अब इसके बाद इसका जो साइड कलर है वो आपका बॉडी कलर में दिया गया है, साइड में, दोनों ही साइड में। यहाँ पे आप मिरर्स लगा सकते हैं जो होल्स आप देख सकते हैं। और इसके बाद अब नीचे की ओर चलते हैं तो यहाँ पे आपको होंडा की स्टिकर मिल जाती है। यहाँ पे आप नंबर प्लेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। कंपनी ने सामने में दोनों ही साइड में यहाँ टर्न इंडिकेटर्स का यूज़ किया है जो कि हैलोजिन बल्ब के रूप में आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ इसी कंपार्टमेंट में ये दोनों ही साइड में आपको DRLs भी दिए गए हैं जो कि LED फॉर्म में दिया गया है। और बिल्कुल सामने यहाँ आपको क्रोम वर्क किया गया है जो कि वाकई में इसे और खूबसूरत बना देता है। इस स्कूटर का फ्रंट मडगार्ड आपको मेटल फॉर्म में दिया गया है और सामने से इसमें आपको प्रोटेक्टर भी लगाया गया है। अब मैं आपको इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में बता देता हूं। तो इसमें आपको टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन देखने को मिल जाता है दोनों, जिसमें दोनों ही साइड से आपको रिफ्लेक्टर दिया गया है। ब्रेकिंग की बात की जाए दोस्तों तो इस स्कूटर में आपको CBS का प्रोटेक्शन मिल जाता है और चूंकि ये डिस्क वेरिएंट है तो इसमें आपको 190 mm का डिस्क मिल जाता है और अगर आप ड्रम वेरिएंट को चुनते हैं तो वहाँ पे आपको 130 mm का ड्रम वाला ब्रेक मिल जाएगा। अब इसके फ्रंट व्हील की बात की जाए तो 12 inch का अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। टायर साइज की बात की जाए तो 90-90 12 साइज का टायर इसमें दिया गया है जो कि ट्यूबलेस फॉर्म में आपको मिल जाता है। टायर की वाइडनेस कुछ इस तरह से है जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं इसके इंजन और पावर की बात करूंगा तो होंडा एक्टिवा 125 अब OBD2 के अनुरूप बन चुकी है। इसमें वही 125 cc फ्यूल इंजेक्टेड इंजन BS6 कंप्लायंट मिल जाता है। यह इंजन 6250 RPM पर 8.19 BHP की पावर और 5000 RPM पे 10.4 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही साथ यह इंजन ESP फीचर के साथ आता है जिसमें कई फंक्शन है जिसमें साइलेंट स्टार्ट जैसा फीचर भी शामिल है और इसमें आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। पीछे में आपको 3-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। इसके रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक दिया गया है। रियर अलॉय व्हील का साइज 10 इंच की दी गई है और टायर आपको ट्यूबलेस फॉर्म में मिल जाता है जिसका साइज 90-100-10 रखा गया है। इस स्कूटर में एक आइडल स्टार्ट स्टॉप फीचर भी है जो स्कूटर के माइलेज को बढ़ाने में मदद कर सकता है। होंडा अपने वाहन के माइलेज को और बढ़ाने के लिए न्यू फ्यूल एफिशियंट टायरों का भी इस्तेमाल कर रही है। इसके साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से आपको दी गई है। यहाँ पे आपको किसी भी तरह का स्टिकर नहीं मिलता लेकिन यहाँ पे आपको क्रोम वर्क में एक्टिवा 125 की ब्लेजिंग जरूर मिल जाती है जो कि इस स्कूटर को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। दोनों ही साइड में आपको पिलियन फुटरेस्ट कुछ इस तरह के दिए गए हैं जो कि फोल्ड मोड में है। और यहाँ पे आपको मैं एग्जॉस्ट भी इसका दिखा देता हूँ। इसका एग्जॉस्ट कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है इस डिजाइनिंग में और इस पे एक छोटा सा मफलर का यूज़ किया गया है। और यहाँ पे आपको कूलिंग फैन मिल जाता है जो कि इंजन को कूल करता है।
एक्टिवा 125 की टेल सक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सीट के पिछले साइड में आपको होंडा लिखा हुआ मिल जाएगा। इसके ठीक नीचे अगर चलते हैं तो 5.3 लीटर की कैपेसिटी वाली फ्यूल टैंक यहाँ पे दी गई, जिसका यहाँ पे लीड मिलता है। यहाँ पे E20 की स्टिकर भी लगाई गई है, चूँकि ये E20 मॉडल है। यहाँ पे आपको हैलोजिन बल्ब वाली टेल लैंप देखने को मिल जाएगी और इसके ठीक बीचों बीच में आपको क्रोम वर्क थोड़ा सा दिया हुआ है, जिसपे आपको एक्टिवा 125 लिखा हुआ मिलेगा और दोनों ही साइड में आपको हैलोजिन बल्ब के रूप में इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। अब इसके ठीक नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर भी दिया गया है और रिफ्लेक्टर के ठीक नीचे अगर चलते हैं तो यहाँ पे आप नंबर प्लेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्कूटी का फ्यूल टैंक का जो लीड है वो उसे आप कैसे ओपन करेंगे अगर आपको तेल इसमें भरवाना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्विच दिया हुआ है जिसको आप पुश करेंगे ऊपर के साइड वाला। तो जैसे ही आप पुश करेंगे तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि पुश करने के बाद इस साइड का जो लीड है वो ओपन हो जाता है, जिसको आप मैन्युअली खोल कर आप इसमें तेल को भरवा सकते हैं और इसके बाद प्रेस कर देंगे तो फिर आपका ये लीड बंद हो जाता है। ग्रैबरेल भी काफ़ी खूबसूरत है, सिल्वर मेटेलिक कलर में आपको मिल जाता है और पिलियन के लिए आपको काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। और अब मैं आपको इसका सीट को भी दिखा देता हूँ। सीट काफ़ी वाइड है, इसकी कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है, कंफर्टेबल सीट रहेगी लॉन्ग टूर के लिए भी, चाहे वो पिलियन के लिए हो या राइडर के लिए हो। और अगर इस सीट की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है और सीट की हाइट की बात करें दोस्तों तो सीट की हाइट आपको 712 mm की मिल जाती है, जो कि लेडीज़ को भी चलाने में किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। अब इसके राइट हैंडल बार की बात की जाए तो यहाँ पे जो आप स्विच देख सकते हैं ये आपको इंजन किल स्विच नहीं है, लगेगा कि ये इंजन किल स्विच है लेकिन ये पावर स्टार्ट और ऑटो स्टार्ट का स्विच है। यहाँ पर आपको कोई भी स्विच देखने को नहीं मिलता। अब लेफ्ट हैंडल बार में आपको क्या क्या मिलता है तो यहाँ पे आपको नीचे हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है, इसके ठीक ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर का स्विच दिया गया है और ठीक इसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे अपर डिपर का स्विच और साथ ही साथ इसी से आप पासिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की डिज़ाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको सेमी डिजिटल फॉर्म में आपको यह मीटर दिया गया है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर जो मिलता है वो आपको एनालॉग फॉर्म में मिलता है और इसके बाद से ओडोमीटर आपको डिजिटल फॉर्म मिलता है। यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग की गई है, चूँकि मैं आपको इसे ऑन करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इसमें अभी कनेक्शन नहीं किया गया है दोस्तों, इसलिए मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपको कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको टाइम देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ ट्रिप मीटर आपको मिल जाता है और ओडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गैस मिल जाता है, रियल टाइम एवरेज भी आपको इसमें शो करेगा, साथ ही साथ आपको रेंज भी शो करेगा कि गाड़ी आपकी कितने दूर तक जा सकती है। और इसके बाद वार्निंग इंडिकेटर की बात करें तो इसमें आपको ऑटो स्टार्ट, चेक इंजन लाइट, साइड स्टैंड वार्निंग, इको इंडिकेटर, हाई बीम इंडिकेटर और टर्न इंडिकेटर एरो को भी इसमें शो करेगा। अब दोस्तों होंडा एक्टिवा 125 में सीट के सामने क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिल जाता है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक हुक दी गई है, जहाँ पे आप आसानी से कोई भी बैग को कैरी कर सकते हैं, छोटे मोटे बैग को। और इसके ठीक लेफ्ट साइड में देखा जाए तो लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा कंपार्टमेंट दिया हुआ है, जहाँ पर आप 1 लीटर वाटर बॉटल को कैरी कर सकते हैं। और इसके बाद राइट साइड में देखा जाए तो राइट साइड में यहाँ पर आपको इग्निशन की होल मिल जाता है, आपको 2 चाबियां इसमें मिल जाती हैं, कुछ इस डिज़ाइन की आपको मिलती है जिसपे होंडा की ब्रांडिंग की गई है। अब मैं आपको इसके सीट को ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि कैसे आप सीट को ओपन करेंगे। तो यहाँ का जो बटन है वो आप नीचे के साइड में सीट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप प्रेस करेंगे और प्रेस करते ही आपका ये सीट ओपन हो जाएगा, इसका लॉक खुल जाता है और कुछ इस तरह से आप सीट को ओपन कर सकते हैं। और मैं आपको सीट के अंदर का भी कंपार्टमेंट दिखा देता हूँ कि कितना हद तक आपको इसमें स्पेस दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अच्छा खासा स्पेस दिया गया है, हालांकि इसमें आप हेलमेट को नहीं रख सकते हैं लेकिन फिर भी आप कुछ हद तक सामान इसमें रख सकते हैं। और फिर सीट को आप पुश कर देंगे तो सीट ये आपका लॉक हो जाता है। एक्टिवा 125 5 कलर ऑप्शन में आती है।
यह स्कूटर आपको चार वेरिएंट्स में मिलेगी, एक्टिवा 125 ड्रम, एक्टिवा 125 ड्रम एलॉय, एक्टिवा 125 डिस्क एंड एक्टिवा 125 HS स्मार्ट। इसमें आपको एक्टिवा 125 ड्रम इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है और एक्टिवा 125 HS स्मार्ट इसका टॉप वेरिएंट है। डायमेंशन के तहत इसकी लेंथ जो है 1850 mm की है, विद है 707 mm की, हाइट है 1170 mm की, सैडल हाइट आपको 712 mm मैंने बता दिया है और ग्राउंड क्लियरेंस आपको 162 mm का मिल जाता है। कर्व वेट इसका 110 kg का मिल जाता है और व्हील बेस है आपको 1260 mm का। वारंटी की बात की जाए तो इसमें आपको स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंडेड वारंटी 3+3 ईयर्स की क्रम से मिल जाती है। अब दोस्तों इसके प्राइस की बात आती है तो मैं आपको बता देता हूं कि देव होंडा सिवान में इस स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम प्राइस 88,092 रुपये रखी गई है। ऑन रोड प्राइस जानने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। देव होंडा सिवान आपको फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराता है, जहां से आप होंडा की कोई भी स्कूटी या बाइक आप आसान किस्तों में ले सकते हैं। और अब दोस्तों अगर आप मेरी ओपिनियन को जानना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको रेकमेंड करूंगा इस स्कूटर के लिए, क्योंकि होंडा एक्टिवा सीरीज के सारे स्कूटर्स को पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद की जाती है ड्यू टू इसके परफॉर्मेंस और डिज़ाइन के कारण। तो दोस्तों लास्ट में मैं इतना कहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और साथ ही साथ जो लोग अभी तक मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि आपको मेरे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।